सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर लिए थे, आज नई एक्सरसाइज पढ़ेंगे 5.3। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है, पहले तो हम ये जानेंगे समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है। पहले इसका सूत्र लिखेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र होता है। तो पहला पार्ट दिया है 2, 7, 12। पहले का पहला पार्ट है, 2 दिया गया है, 2, 7, 12। 7, 12 डॉट डॉट कहाँ तक? 10 पदों तक। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a है, a इक्वल टू 2 है, d सार्बन्तर। दूसरे में से पहला घटाते हैं ना, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और n कितना दिया है? 10 पदों तक कह रहा है ना, तो n 10 दिया है, n इक्वल टू 10। तो अब हम इसी में सबकी वैल्यू रखेंगे, n की, a की और d की। तो रखते हैं, तो Sn इक्वल टू n बाई 2, n कितना है? 10 है, तो 10 बटे 2 2a, a के स्थान पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, प्लस n के स्थान पे 10 माइनस 1, d के स्थान पे 5 रखेंगे, 5। तो 2 एक के 2, 2 पंचे 10, 5, 2 दूना 4, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 गुड़े 5, 5 गुड़े 9 पचे 45, 4 प्लस 45, तो 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49 आएगा, 5 गुड़े 49, तो 5 का गुड़ा 49 में कराएंगे तो 5 नवा 45, 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4, 24। तो योगफल कितना आया? 245 आया। फिर दूसरा पार्ट देखते हैं, दिया गया है समांतर श्रेणी -37, -33, -29। तो देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है -37, -33, -29। -29 कितने पदों तक? 12 पदों तक, 12 पदों तक। तो यहाँ पे देखिए, ए कितना है? प्रथम पद -37 है, ए इक्वल टू -37, बी इक्वल टू, दूसरे में से पहला घटाते हैं तो -37, -37। बीच में तो माइनस रहेगा ही, लेकिन 37 के पास भी माइनस है तो वो भी लिखेंगे। तो -37, -, प्लस होगा, +37। तो 37 देखो बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। डी सार्बन्तर कितना आया? 4 आया। और n कितना दिया है? 12 दिया है, n इक्वल टू 12। तो अब हम योगफल निकालते हैं समांतर श्रेणी का। तो Sn इक्वल टू n बाई 2, n की वैल्यू 12 है, 12 रखेंगे, बटे 2 2a, a के स्थान पे -37, प्लस n माइनस 1 ना, n के स्थान पे 12 -1। और d के स्थान पे कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, तो 4 रखते हैं यहाँ पे। 2 एक के 2, 2 छक 12, 6 माइनस में होगा, माइनस में है ये, 37 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा? 2 7 14, 1 हासिल, 2 3 6 1 7, 74, प्लस 12 में से 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, 11 का गुणा फिर 4 में कराएंगे
गुड़े, यहाँ पे गुड़े का निशान होता है ब्रैकेट के बाहर, तो गुड़े 74 माइनस 74 को तो ऐसे ही लिखेंगे, 11 चौ 44, 74 में से 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 4 में से 4 घटेगा तो 0 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे। फिर 6 से गुणा कराएंगे, 6 3 18 माइनस 180, तो योगफल कितना आया, माइनस 180 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.6, 1.7 और 2.8, तो देखते हैं तीसरा पार्ट इसी का। तीसरा पार्ट है हाँ, 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 1.7, 2.8 और 100 पदों तक ना। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, 0.6 है, a इक्वल टू 0.6 d, सर्वांतर कैसे निकालेंगे, दूसरे वाले में से पहला घटाएंगे, 1.7 माइनस 0.6, तो घटाएंगे कैसे इसको, पॉइंट वाला कैसे घटाते हैं, 1.7 0.6, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, तो 7 में से 6 घटाएंगे 1 आएगा, यहाँ पे 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो सर्वांतर कितना आया, 1.1, d इक्वल टू 1.1 आ गया। अब देखिए d आ गया, फिर n कितना दिया है, 100 दिया है, 100 पदों तक, n इक्वल टू 100, तो योगफल निकालते हैं। अब सबकी वैल्यू तो पता हो गई, a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू, तो इसमें रखते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एन कितना है, 100 है, 100 बटे 2 गुणे ए, ए के स्थान पे कितना, इसी सूत्र में रख रहे हैं सबकी वैल्यू, ए के स्थान पे कितना रखेंगे, 0.6 रखेंगे, 0.6 प्लस एन माइनस 1, 100 है ना, 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 99 आएगा, या तो फिर ऐसे लिखते हैं 100 माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पे कितना, 1.1, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, एस एन इक्वल टू 50 गुणे 2 × 6 = 12, 1.2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 आएगा, तो 99 × 1.1, 50 × 1.2, यहाँ पे देखिए जब हम 1.1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 99 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा, 108, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 50 × 108.9 में 1.2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 × 2 = 11 और 8 × 1 = 9 = 10 और 1 × 1 = 110.1 आएगा ना। फिर 50 का गुणा इसमें कराते हैं तो 0 तो ऐसे रहेगा, 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो 5 × 1 = 5 और 5 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 1 अंक बाद दशमलव, तो समांतर श्रेणी का योगफल कितना आया, 5505 आया।
ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला पार्ट है चौथा। 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक देखते हैं चौथा पार्ट। पहले का चौथा पार्ट, पहले का चौथा पार्ट क्या दिया है समांतर श्रेणी? हाँ दिया है 1/15, 1/12, 1/10। 1/15, 1/12, 1/10 और कहाँ तक? 11 पदों तक। 11 पदों तक। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है? 1/15 है। A इक्वल टू 1/15। D सार्वांतर दूसरे में से पहला घटाते हैं ना, 1/12 माइनस 1/15। यहाँ पे 15 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा, 60 एलसीएम आएगा। 15 चौका 60, 4 12 पंचे 60, 5 होगा यहाँ पे, माइनस 15 चौका 60, 4 तो ये आ जाएगा 1/60। सार्वांतर कितना आया? 1/60 आया। तो n, n कितना दिया है? 11 दिया है। तो रखते हैं इसी सूत्र में, एस एन इक्वल टू एन बाई टू। एन कितना है? 11 है ना, 11/2। 2 ए के स्थान पे 1/15, 1/15 प्लस एन माइनस 1, 11 लिखेंगे। एन 11 है, 11 माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पे सार्वांतर कितना आया है? 1/60 आया है, 1/60 लिखेंगे। 11/2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, कट नहीं रहा है, तो ऐसे लिख देंगे 11/2 गुणे 2 × 2/15 प्लस 11 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। 10 गुणे 1/60, कुल मिला के इसे हम 10/60 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 10/60 लिखेंगे, 10/60। तो यहाँ पे देखिए 11/2, तो 2 ऊपर कॉमन मिल रहा है ना, तो 2 कॉमन लेंगे, 2 ऊपर क्या बचेगा? 1/15 बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए तो 5/ बचेगा, 5/60। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया? 11 आ गया। 11 गुणे, अगर हम 15 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60, 15 चौका 60, 4 60 इक्के 60, 5 आएगा। तो 11 गुणे 5 4 9, 9/60, 9/60। तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 11 तिया 33/20। पदों का योगफल कितना आया? 33/20 आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, इसमें भी समांतर श्रेणी के योगफल निकालना है। तो इसमें पहला पार्ट दिया है, देखते हैं दूसरे का पहला पार्ट। दूसरे का पहला पार्ट, दूसरे का पहला पार्ट दिए हैं 7+10, 7+10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस .84। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना दिया है? 7 दिया है। A इक्वल टू 7। D सार्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे में इसे पहला घटाते हैं ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 20 = 21/2 माइनस पहला वाला पद 7। D इक्वल टू 21 − 2 = 14/2। तो D इक्वल टू
ग्यारह, ग्यारह में से चार घटाएंगे तो कितना आएगा? सात आएगा। सात बटे दो, सार्वंतर कितना आया? सात बटे दो आया। अब देखिए ये क्या दिया है, ये ए एन दिया है। ए एन, ए एन इक्वल टू चौरासी, एनवा पद दिया है ये। तब हम क्या करेंगे, इस वाले सूत्र में कब रखेंगे? जब सब वैल्यू पता रहती है तब रखते थे ना, एन एन नहीं पता है तो पहले तो हम एन निकालेंगे। एन कहाँ से निकालेंगे? एनवे पद से निकालेंगे। एनवे पद का सूत्र क्या होता है बताइए? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है? ए एन चौरासी है ना, तो ए एन के स्थान पे चौरासी लिखेंगे। चौरासी इक्वल टू ए, ए के स्थान पे सात प्लस एन, एन कितना है नहीं पता है, माइनस वन। डी कितना है? सार्वंतर सात बटे दो है, तो सात बटे दो रखेंगे। चौरासी, चौरासी इक्वल टू सात प्लस, और हाँ सात को तो हम बराबर के इधर ले आ सकते हैं ना, तो सात को बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा। माइनस सात इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सात बटे दो, तो चौरासी, चौरासी में से सात घटाएंगे तो कितना आएगा? सतहत्तर आएगा। सतहत्तर इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सात बटे दो, तो सात से ये सात कैंसिल होगा तो ये ग्यारह आ जाएगा। ग्यारह का गुणा दो में कराएंगे तो कितना आएगा? बाईस आएगा। एन माइनस वन इक्वल टू बाईस, ब्रेकेट है तो एन इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन को उधर लेके जाएंगे ना, तो एन इक्वल टू तेईस, एन की वैल्यू तेईस आ गई। तो जब एन की वैल्यू तेईस आ गई तो अब हम पदों का योगफल तो निकाल ही सकते हैं। अब निकालते हैं इस सूत्र में रख के, तो एन बाई टू एस एन इक्वल टू एन बाई टू, एन के स्थान पे कितना रखेंगे? एन की वैल्यू कितनी आई है? तेईस आई है, तो यहाँ पे तेईस रखेंगे। एन बाई टू एन तेईस है, तेईस बटे दो टू, ए के स्थान पे कितना रखेंगे? सात रखेंगे, गुणे सात प्लस एन माइनस वन, एन तेईस आया है माइनस वन डी। सार्वंतर सात बटे दो है ना, तो यहाँ पे सात बटे दो रखेंगे। सात बटे दो, तो सात बटे दो, तो तेईस बटे दो को तो ऐसे ही लिखेंगे। दो दो सत चौदह प्लस तेईस में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा? बाईस आएगा। बाईस गुणे सात बटे दो, तो दो इक्के दो और दो इक्के दो ग्यारह आ गया। तेईस बटे दो चौदह प्लस ग्यारह सते सतहत्तर, सतहत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, तेईस बटे दो गुणे, ब्रेकेट नहीं लगाएंगे अब, तो जोड़ेंगे चौदह में सतहत्तर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सात चार ग्यारह के हंसी ले, और सात एक आठ एक थोड़ा इक्यानवे में कराएंगे तो तेईस गुणे इक्यानवे बटे दो, तो ये पदों का योगफल आ गया। फिर अगला पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट इसी का, दूसरा पार्ट है चौंतीस प्लस बत्तीस प्लस तीस, दूसरे का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है चौंतीस प्लस बत्तीस प्लस तीस प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस दस तक। दस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रथम पद कितना है? चौंतीस है। ए इक्वल टू, ए इक्वल टू चौंतीस डी। सार्वंतर, सार्वंतर कितना? बत्तीस में से चौंतीस घटाएंगे ना, डी इक्वल टू बत्तीस माइनस चौंतीस,
तो d इक्वल टू 34 में से 32 घटाएंगे तो 2 आएगा, प्लस में कि माइनस में? माइनस में आएगा। और ए एन इक्वल टू 10, फिर यहाँ से भी हम n निकालेंगे तभी तो पदों का योगफल निकालेंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 10 है, तो ए एन के स्थान पे 10 लिखेंगे, इक्वल टू ए, ए के स्थान पे 34 प्लस एन नहीं पता है माइनस 1, डी माइनस 2 आया है माइनस 2, तो 10 प्लस 34 प्लस रहने दीजिए, 34 को बराबर के इधर लेके आते हैं तो माइनस में होगा, माइनस 34 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 2। तो 10, 34 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा, माइनस 24 इक्वल टू माइनस एन माइनस 1 इंटू 2। माइनस को हम यहाँ पहले लिख दिए हैं तो यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ माइनस लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। और 2 एक के 2, 2 एक के 2, 2 दूना 4, एन माइनस 1 इक्वल टू 12, एन इक्वल टू 12 में 1 जोड़ेंगे ना, बराबर के उधर लेके जाएंगे, प्लस में होगा, एन इक्वल टू 13, एन कितना आया? 13। फिर देखिए अब हम पदों का योगफल निकालते हैं, तो पदों का योगफल एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एस एन के स्थान पे कितना? 13 रखेंगे, इक्वल टू 13/2 टू ए, ए के स्थान पे कितना? 34 रखेंगे, प्रथम पद 34 प्लस एन, एन के स्थान पे 13 रखेंगे, 13 माइनस 1 डी। सार्वंतर कितना आया है? देखिए सार्वंतर माइनस 2 आया है ना, माइनस 2 रखेंगे, माइनस 2, तो इक्वल टू 13/2, 34 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 प्लस 13, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 आएगा, 12 गुणे माइनस 2, 13/2। 68 को ऐसे लिखेंगे जैसे है, 68 माइनस प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस आएगा, और 12 दूनी 24, 13/2 गुणे 68, 68 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 4, 44 आएगा, 2 एक के 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 13, 13 का गुणा 22 में कराएंगे तो 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 दूनी 26, 26 2 28, तो 286। पदों का योगफल कितना आया? 286 आया। फिर अगला पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस --, प्लस -230। तीसरा पार्ट है देखते हैं, तीसरा पार्ट दूसरे का, तीसरा पार्ट तो दिया है -5 प्लस -8 प्लस प्लस -11 -11 प्लस --, प्लस -230, ये दिया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रथम पद क्या है? -5 है ना, -5, a इक्वल टू -5, b सार्वंतर, दूसरे में से पहला पद घटाते हैं ना, तो -8, दूसरा पद कितना है? -8 है, और पहला -5 है, तो d इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 5, d इक्वल टू 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3 आएगा,
डी सार बनकर कितना आया? -3 आया। और लास्ट वाला पद क्या दिया है? ए एन दिया है। ए एन इक्वल टू -230। फिर अब हम यहाँ से एनवे पद से एन की वैल्यू निकालते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन के स्थान पे -230 रखेंगे। -230 इक्वल टू ए। ए के स्थान पे -5 प्लस एन नहीं पता है। डी सार्वंतर कितना आया है? -3 आया है। -3 -230 इक्वल टू -5। -5 को इधर लेके आएंगे तो +5 होगा इक्वल टू। यहाँ भी देखिए, अगर हम प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस को हम पहले लिख सकते हैं ना, माइनस एन -1 इंटू 3। अब यहाँ से हम माइनस हटा दिए हैं तो 5 230 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 5 घटाएंगे 5 तो 225 आएगा माइनस में इक्वल टू माइनस एन -1 इंटू 3। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल करते हैं। एन -1 इक्वल टू 225 बटे 3। 3 × 3 3 × 7 = 21 3 × 5 = 15 75 आया। एन इक्वल टू 75। -1 को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आएगा, प्लस एन इक्वल टू 76। एन कितना आया? 76 आया। अब देखिए एन की वैल्यू आ गई ना, तो अब हम पदों का योगफल तो निकाल ही सकते हैं, तो निकालते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन -1 इंटू डी। इसी में रखते हैं सबकी वैल्यू। एस एन एन कितना आया है? 76 आया है। एस एन के स्थान पे 76 इक्वल टू एन, एन के स्थान पे 76 बटे 2 गुणे ए, ए के स्थान पे -5 प्लस एन के स्थान पे 76 रखेंगे। 76 -1 डी, डी के स्थान पे कितना? -3 2 × 2 2 3 6 2 8 16 38 आया। गुड़े 5 × 2 = 10 -10 प्लस 76। 76 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। 75 गुड़े -3 38 -10 माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, माइनस 75 का गुणा 3 में 3 × 5 = 15 1 हासिल, 3 × 7 = 21 तो 225 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 235 आएगा। माइनस 38 गुणे -235 तो माइनस में माइनस प्लस का गुणा माइनस, फिर 235 गुणे 38, ये पदों का योगफल आ गया। समाप्त समाप्त कौन इतना गुणा करा है?